जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने रांची में मशाल जुलूस निकाला। जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट टेक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। मशाल जुलूस का जायजा लिया है हमारे संवाददाता पूजा दुबे ने। जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास से ये सभी अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर मशाल जुलूस निकाल रहे हैं ताकि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है वो रद्द हो सके। कुलाजी लगातार आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, रद्द कराने की मांग कर रहे हैं और आज मशाल जुलूस भी आप लोगों ने निकाला है। बिल्कुल, ये मशाल जुलूस हमारा निकालने का मकसद ये है कि पूरे राज्य के युवाओं को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि आज से हेमंत सोरेन जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरह से पूरे 5 साल में हेमंत सोरेन यहाँ के छात्रों को रुलाया, यहाँ के छात्रों को दबाया, छात्रों के भविष्य को बेचा गया, अब उनको सारा कुछ सूद समेत वापस करने का समय आ गया है। और मैं पूरे राज्य के युवाओं के आपके न्यूज 11 के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि पूरे के राज्य के युवाएं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग आगे आइए, सभी लोग आगे आइए, क्योंकि अब आपका जो है आपके असली ताकत दिखाने का समय आ गया है। और आप लोग लोकतंत्र का जो अब ये पर्व शुरू होने वाला है, इसमें सभी लोग अपनी बढ़ चढ़ के ताकत दिखाइए। और जिस तरह से हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी को सत्ता पे काबिज कराया था, अब उसी तरह पूरे राज्य के युवा मिलकर हेमंत सोरेन जी को सत्ता से उतारने के लिए हम लोग अभियान चलाएंगे। और ये अभियान अब लगातार चलेगा, अब यह अभियान रुकने वाला नहीं है। पूरे राज्य के युवा जाग चुके हैं। पूरे देखिए, महज चुनावी प्रोपेगेंडा के लिए आज चुनावी आचार संहिता लगा, कितनी नियुक्तियां मिल गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सीजीएल फंस गया, जेपीएससी फंस गया और आपका 25,000 की महत्वाकांक्षी जो योजना थी सहायक आचार्य का वो फंस गया। उसके अलावा उत्पाद सिपाही में जो 19 लोग मरे, बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कैमरे के माध्यम से कि क्या ही मिला सरकार को, क्या मिला सरकार को? 19 लोग मर गए। अब वो भर्ती तो पूरी तो हुई नहीं, भर्ती तो नहीं पूरी हुई, तो हमारे इन 19 छात्रों की बलि देके महज चुनावी प्रोपेगेंडे के लिए सरकार ने जो किया है, ये निहायती घटिया काम है, बहुत ही गिरा हुआ काम है। जब आपको पूरा वैकेंसी नहीं करना था तो आप उमस के मौसम में जब इतना भयंकर जो इमोडेशन था उस समय आपने युवाओं को दौड़ाया, उस समय युवाओं को मारा, उसमें हमारे आदिवासी भाई बहन मूलवासी सब लोग थे। और जिस तरीके से अभी अभ्यर्थी जो है वो मशाल जुलूस निकाल के चल रहे हैं और तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही है और लगातार जिस तरीके से अभ्यर्थियों में इस पूरे मामले को लेकर के आक्रोश भी है और यहाँ पर हम लोग को अलग अलग तस्वीर भी देखने को मिल रही है। देखिए, सभी अभ्यर्थियों के हाथों में यहाँ पर मशाल है और मशाल के जरिए अपने अपने नाराजगी को व्यक्त करते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कुछ और भी लोग है, आप लोगों ने परीक्षा दी और अब आप लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं और आज मशाल जुलूस जी। अगर ये एग्जाम सही ढंग से होता मैडम तो इतना लोग रद्द कराने के लिए कोई आता ही नहीं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार दो दो बार लोगों ने जेएसएससी ऑफिस घेराव किया उसके बावजूद भी नहीं सुन रही है। और अब ये सरकार का विदाई का समय आ गया है, इसीलिए हम लोग आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। अभ्यर्थी मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और मशाल जुलूस को लेकर के सभी अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, जहां पर जयपाल सिंह स्टेडियम से लेकर फिराय लाल चौक तक ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो यहां पर कुछ और भी अभ्यर्थी जो है वो यहां पर मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों ने परीक्षा जिस तरीके से दिया है और उसके बाद अब यहाँ पर आप लोग मशाल जुलूस लेकर चल रहे हैं। परीक्षा दिया है, रिजल्ट नहीं जैसे सी दे रहा है, सारा पेंडिंग कर दिया, उसी के विरोध में आए हैं, बस इतना ही कहना है। तो परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी जो है वो मशाल जुलूस लेकर के चल रहे हैं और आगे लगातार मशाल जुलूस जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थियों में आक्रोश है और उसी को लेकर के सभी अभ्यर्थी यहां पर मशाल जुलूस लेकर के सीधे यहां पर विरोध कर रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल का विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर के यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर मशाल लेकर के रोड पर उतरे हुए हैं। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।